Now we will understand conservation of momentum. What do we mean by that? ठीक है now. तो सबसे पहले आप देखो कंजर्व का मतलब क्या होता है स्टोर है ना. तो दिस इज योर स्टोर. हम स्टोर कर रहे हैं किसको? मोमेंटम को. तो मोमेंट इटसेल्फ इट सेज दैट इसके अंदर क्या क्या है हमारा मोमेंटम क्या होता है हमारा. तो हमने पहले पढ़ा है दैट इज योर मास इनटू वेलोसिटी. मास इनटू वेलोसिटी है ना. नाउ तो देखो मोमेंट एनी ऑब्जेक्ट जो हमारा मूव कर रहा है इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है. इफ इट इज ऑब्जेक्ट इट कंटेन मास एंड इट्स मूविंग इट कंटेन्स वेलोसिटी दैट इज अवर मोमेंटम. नाउ ठीक है नाउ बट हियर वी विल स्टडी अबाउट कॉलिजन. ठीक है तो कॉलिजन नाउ तो कॉलिजन में आपका क्या है वी विल टेक टू थिंग्स. तो फर्स्ट इज ट्रक दैट इज मूविंग एंड अ कार विच इज स्टेशनरी और यू कैन से इट्स ऑन रेस्ट. तो हियर इट इज योर ट्रक ठीक है एंड अ कार. नाउ अब आप देखो ट्रक हमारा कैसा है इट्स मूविंग वी कैन से इट्स मूविंग विथ हाई स्पीड. ठीक है क्योंकि वेलोसिटी है इट्स मूविंग विथ वेलोसिटी. नाउ कार कार इज एट रेस्ट देयर आर टू थिंग्स. ठीक है नाउ ट्रक ने व्हाट ट्रक ने क्या किया कार को आके हिट किया दैट इज योर कॉलिजन. तो वी कैन से ट्रक ने कार को हिट किया. ठीक है नाउ अब देखो ट्रक के अंदर ट्रक इज मूविंग इट कंटेन्स मोमेंटम है ना. तो नाउ वी कैन से यहां पर इसका ट्रक का मास वी विल टेक एज एम वन मास एंड वेलोसिटी दैट इज योर वी वन इज योर वेलोसिटी. नाउ कार इज ऑल्सो देयर इट इज ऑन रेस्ट तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है. तो एट दैट टाइम देयर इज नो मोमेंटम वाई मीन्स इट्स वेलोसिटी इज जीरो बट इट कंटेन्स मास. तो हमने इसको ले लिया एम टू ऑफ द कार मास इज एम टू और वेलोसिटी हमने क्या ले लिया वी टू दैट इज जीरो. ठीक है नाउ एज सून एज इट हिट्स द कार जैसे वो हिट करेगा तो यू कैन सी द वेलोसिटी गेट रिड्यूस्ड. वेलोसिटी गेट रिड्यूस्ड है ना एंड एट द सेम टाइम कार की वेलोसिटी गेट इंक्रीज्ड. ठीक है नाउ तो नाउ वी कैन सी देयर आर टू वेलोसिटीज वन इज इनिशियल वेलोसिटी और जो रेड्यूस हो गई दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी. ठीक है तो यहां पर हम ले लेते हैं यू वन इज योर इनिशियल वेलोसिटी एंड वी वन इज योर फाइनल वेलोसिटी. ठीक है नाउ कार का भी आपको सेम लेना है तो इनिशियल में क्या था वो कार इज ऑन रेस्ट है ना. तो दैट मींस यू टू इज जीरो नाउ यू टू इज जीरो बट आफ्टर दैट इट इंक्रीज द स्पीड क्योंकि जैसे हिट हुआ इट टेक्स द स्पीड. तो ये क्या हो गया आपका वी टू. ठीक है तो इट टेक्स सम स्पीड. नाउ अब आप देखो व्हाट इज दैट ये फोर्स में
ट्रक इज इन फोर्स, यू विल एग्री दैट। ओके, तो हमने मोमेंटम में पढ़ा भी था कि हमारा क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये एक्सेलरेट कर रही थी ट्रक, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेट कर रही थी, ठीक है। नाउ तो ये देखो आपका क्या आएगा, तो फोर्स, जिस फोर्स से वो जा रही थी उसी फोर्स से उसने इसको हिट किया, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट इट कंटेन्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, दैट इज योर वी माइनस यू बाय टी, है ना। तो दैट मींस यू विल गेट हियर वी वन माइनस यू वन बाय टी, ठीक है। नाउ और दिस इज योर ए, इफ यू सी हियर द सेम फोर्स, क्योंकि सेम फोर्स है, उसने हिट किया है उसको, तो देखो ये क्या है आपका, मास ऑफ द कार इनटू वी टू माइनस यू टू बाय टी, ठीक है। नाउ तो वी नो दैट, हमने पढ़ा है बाय थर्ड एक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोला है उसने, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हाट डज इट मींस, इट मींस दैट जो आपका फोर्स ट्रक्स का था एंड जो फोर्स कार का हुआ, तो दे हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मींस वी कैन से फोर्स ऑफ ट्रक इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ फोर्स ऑफ कार, ठीक है। नाउ ये दोनों को क्या करना है, आपको इक्वेट करना है बाय दिस इक्वेशन। तो ये देखो आपका क्या आएगा, इट विल कम एज एम वी वन माइनस यू वन बाय टी, दिस इज इक्वल टू माइनस एम वी टू माइनस यू टू बाय टी, ठीक है। नाउ यह देखो टाइम इट्स सेम, इट विल गेट कट। तो ये आपका ट्रक का है, तो ट्रक वाले पे हम लिख देते हैं एम टी, और मास ऑफ द कार वी विल राइट एम सी, ठीक है, मास ऑफ द कार। नाउ अब देखो मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो क्या आ रहा है, देखो एम टी वी वन माइनस एम टी यू वन, दैट इज इक्वल टू एम सी वी टू, दिस इज सॉरी माइनस, दिस इज माइनस, देन प्लस एम सी यू टू, ठीक है। नाउ ये वाला माइनस इस साइड में लेकर आ जाओ, ये वाला इस साइड में लेकर आ जाओ, मतलब कि आपको फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी दोनों को एक साथ रखना है। तो ये देखो दिस एंड दिस इज वन, और दिस एंड दिस इज वन, तो आपको वैसे ही करना है, इसको इस साइड में लेकर आ जाओ। तो नाउ यू कैन सी एम टी वी वन प्लस एम सी वी टू, दिस इज इक्वल टू, नाउ देखो क्या आ रहा है आपका, एम सी यू टू प्लस एम टी यू वन। नाउ यू कैन सी दैट, ये देखो आपका क्या है, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, दैट इज टोटल, है ना। तो वी कैन राइट इट एज टोटल फाइनल मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू क्या है, ये देखो ये भी सेम है बट इट इज इनिशियल मोमेंटम, तो वी कैन राइट इनिशियल टोटल मोमेंटम, ठीक है। नाउ तो बाय दिस स्टेटमेंट वी कैन नाउ से दैट एनर्जी, और यू कैन से मोमेंटम कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि देखो पहले इनिशियल में जो मोमेंटम था वही आपका फाइनल में है, तो
वी कैन से दैट मोमेंटम cannot be created nor destroyed. ठीक है, तो ये एक आपका हो गया. एंड हियर यू हैव सीन व्हाट यू हैव सीन, द फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन. That means Newton's third law. So we can here say Newton's third law. ठीक है, तो this is your conservation of momentum. That means आपका इसका मतलब क्या है? When two objects collide with each other, what happens? Their total momentum remain, total momentum at the initial remains constant, is equal to the total momentum at the final state. ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको समझना है. ठीक है.